बॉलीवुड की मोस्ट चार्मिंग और एलिगेंट एक्ट्रेस रेखा उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो कभी भी एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहती थीं। उनकी मंजिल हमेशा से ही कुछ और थी, लेकिन घर के मजबूरियों के चलते उन्हें अपने घुटने टेकने पड़े और माँ के कहने पर वो काफ़ी छोटी उम्र में ही एक्टिंग करने लगी थी। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं उस उम्र में वो सेट पर आती थी और खिलौनों से खेलने की बजाय वो कैमरे के आगे शॉट्स दिया करती थी। एक्टिंग तक तो ठीक था, लेकिन अब बारी आई पर्दे पर बोल्ड सीन्स देने की, तो रेखा के उस वक्त होश ही फाख्ता हो गए थे। जी हाँ, अभिनेत्री रेखा तब महज 13 साल की ही रही होंगी जब उन्हें हिंदी फिल्म अनजाना सफर ऑफर हुई थी। इस फिल्म को रेखा करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन विदेशी लोकेशन पर शूट का लालच देकर रेखा की मां ने उन्हें मना लिया था। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन जब रेखा को पता चला कि उन्हें एक सीन में अपने को-स्टार को किस करना है, तो उनके हाथ पांव फूलने लगे थे। उन्होंने इस सीन को करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन टीम के समझाने के बाद जैसे तैसे वो मान गई। उस वक्त रेखा नाबालिग थी, लिहाजा वो इस सीन को शूट से पहले इतना घबरा गई थी कि वो बेहोश ही हो गई थी। ये खबर देखते ही देखते मीडिया में फैल गई थी और काफी ज्यादा हंगामा भी मच गया था। और आखिरकार जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो सेंसर बोर्ड ने इसकी रिलीज को रोक दिया था। जी हाँ, पहले ये फिल्म साल 1969 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उसी किसिंग सीन की वजह से इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। उन्होंने सीन को हटाने का भी आदेश दिया था, और जब सहमति नहीं बनी तो 10 साल तक ये फिल्म ऐसे के ही ऐसी अटकी रही और आखिरकार 1979 में इसे रिलीज किया गया। लेकिन तब इस फिल्म का नाम बदल दिया गया था, इसे दो शिकारी के नाम से मेकर्स को रिलीज करना पड़ा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये सीन फिल्माया जा रहा था तब रेखा इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उनकी चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से सीन के भी बार बार रीटेक हो रहे थे। और किसिंग सीन की वजह से हीरोइन का बेहोश होना हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में पहली बार हुआ था, जिसकी वजह से ही ये बात आग की तरह फैल गई थी और रिलीज से ही पहले फिल्म पर रोक लग गई, वो भी सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10 साल के लिए।